फिक्सिंग यूनिट एरर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये फिक्सिंग यूनिट का एरर सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक जो पेपर एग्जिट असेंबली है जिसमें फिक्सिंग यूनिट यानी जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो लगा होता है, और दूसरा हीटिंग एलिमेंट को जहाँ से पावर जाता है। तो पावर सप्लाई में उसके पास में ये देखिए मॉस्फेट लगा हुआ है, जहाँ पे स्क्रू टाइट है यहाँ पे मॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये ख़राब हो जाने से भी प्रॉब्लम आता है। और दूसरा जो है वो इस यूनिट में जो ये हीटर लगा हुआ है इसका प्रॉब्लम आता है। तो अभी हमने इसका जो फिक्सिंग यूनिट है उसको ओपन कर दिया है। प्रिंटर डी असेंबली करने तो आपको आसानी से आता होगा, तभी आप ये काम करेंगे। तो ये काम पहले आपको सिखाया जा चुका है। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जो प्रिंटर में असेंबली डी असेंबली कर लेते हैं, तो अगर फॉल्ट का पता नहीं चल रहा है तो उस उनके लिए ये इजी रहेगा। प्रिंटर को डी असेंबली करने आपको आना चाहिए। तो देखिए अभी ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ख़राब हो गया है इसका, तो मैं इसमें ये चेंज कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये चेंज करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो इसका मतलब उसमें जो है पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो पावर सप्लाई में ज़्यादातर वो मॉस्फेट ही ख़राब होता है, तो मॉस्फेट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी इसमें टेफ्लॉन जो था वो भी फट गया था, तो अभी हम इसमें नया टेफ्लॉन जो है टेफ्लॉन स्लीव डालेंगे, और हीटिंग एलिमेंट को जैसे मैंने अभी इसमें ग्रीस लगाया उस तरीके से ग्रीस लगाएंगे, तभी ये मूवमेंट होता है। और अगर किसी प्रिंटर में इस तरीके की प्रॉब्लम आता है कि पेपर जाम इन आउटपुट एरिया इस टाइप से मैसेज आता है, तब भी यहाँ पे आपको इसको ओपन करके इसमें ग्रीस लगाना होता है, और इसके साथ में जो रोलर्स लगे हुए होते हैं उसको भी चेंज करना होता है। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो बार बार उनके फंसते रहता है, तो उस रोलर के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि अगर वो ख़राब होता है तो चेंज कैसे किया जाता है। तो ये देखिए इस रोलर की हम बात कर रहे थे, तो ये अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसे भी चेंज करना होगा, मतलब अगर ये घिस गया रहता है तो ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है प्रिंटर शॉप में, इसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसको लॉक रहता है, बस इसमें बैठा देना रहता है, और एक छोटा लॉक इधर वाइट वाला लगा रहता है उसको लगा देना रहता है, लॉक हो जाता है। देखिए इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको समझने के लिए इसको बता रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये पूरा जो इसका पेपर एग्जिट असेंबली भी बोला जाता है इस पूरे भाग को, और फिक्सिंग यूनिट भी है इसके अंदर में, तो और ये प्रेशर रोलर साथ में रहता है उसके, तो ये सभी चीज़ें पूरी कम्प्लीटली इस तरीके से आप सर्विसिंग करके और स्लीव और हीटिंग एलिमेंट को चेंज करके इस तरीके से स्प्रिंग से जो स्प्रिंग दिख रही है इसके थ्रू उसको लॉक करके, और ये गियर वगैरह भी अगर आप निकाले हैं तो पूरे लगा लीजिए, स्क्रू भी टाइट कर लीजिए सामने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये मैं फिट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो है फिटिंग में स्क्रू टाइट करने में आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और अब मैं आपको गियर के बारे में बताऊँगा कि अगर मान लो गियर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे किया जाता है। तो गियर में वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन अगर जैसे अगर कार्ट्रेज को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा, तो फिर प्रिंटिंग क्लियर आएगी नहीं, पूरी ब्लैक दाग धब्बे टाइप से इस टाइप से आती है। तो वो कार्ट्रेज पूरा फिटिंग बढ़िया से होना चाहिए, और ये जो गियर है प्रॉपर काम करना चाहिए। तो ये सभी गियर तो अपने अपने जगह में सेट होते हैं, उल्टे सीधे सेट नहीं होते हैं। अभी आपको मैं स्प्रिंग इसमें दिखा रहा हूँ, जैसे कुछ लोग प्रिंटर खोलते हैं तो क्या होता है स्प्रिंग भूल जाते हैं कि स्प्रिंग कैसे लगी हुई थी। तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रिंग आप कहीं पर भी बैठाओगे, किसी भी जगह में बैठाओगे ना तो वो नहीं बैठेगा, सिर्फ उसका जहाँ जगह है वहीं बैठेगा। तो स्प्रिंग दोनों एक ही जगह लगी होती है, किसी में एक स्प्रिंग रहता है, किसी में दो स्प्रिंग रहता है, इस टाइप से दिया होता है। तो ये मेन जो कार्ट्रेज वाला जो गियर होता है जिसमें कार्ट्रेज फंसता है उसी में रहता है। तो देखिए स्प्रिंग ये किसी भी जगह में नहीं बैठेगा, स्प्रिंग अभी उसी जगह में बैठेगा जहाँ पे वो वाला स्प्रिंग लगा हुआ है बड़ा वाला उसके अंदर में। तो अभी मैं इसमें आपको बैठा के दिखाता हूँ। आपको ये बता रहा था कि अगर कोई यहाँ पे गलत जगह में इसको लगाने का ट्राई करेगा तो लगेगा भी नहीं, तो अपने जगह में बैठ जाएगा, ठीक है। तो और अगर पेपर जैसे कि डबल उठाता है तो जब आपको ये ब्लू कलर का जो है सोलेनोइड दिख रहा था वो चेंज करना पड़ता है, अगर वो डबल पेपर उठा रहा है तो। और सेपरेशन पैड जो है
वो भी यही काम करता है, तो या तो सेपरेशन पैड की प्रॉब्लम रहती है तो सोलोनाइट का प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें अभी हमने पूरे काम कर दिए हैं। आप देखिए, मैं आपको इसमें कंप्यूटर से प्रिंट पेज दिया हूँ, टेस्ट पेज, तो ये प्रिंटिंग निकल के आ रही है। तो प्रिंटर में इस तरीके से, मतलब ये फिक्सिंग यूनिट है, एग्जिट असम्बली है, और इसके साइड में गियर्स लगे रहते हैं, और जो है इसमें MLC है एक तरफ, और सोलोनाइड है, सेपरेशन पैड है, और इसके अंदर में ECU है और लेजर यूनिट है। तो इतना ही इसके अंदर पार्ट होता है। कार्ट्रिज तो अलग से निकलते रहता है, लगते रहता है। अगर कार्ट्रिज की प्रॉब्लम रहती है तो कोई भी चेंज कर लेता है उसको। तो इस तरीके से प्रिंटर की सर्विसिंग जो है आप आसानी से कर सकते हो। इस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसमें मैंने आपको क्विकली जो है असेंबली डिसेंबली और उसके बारे में, फॉल्ट के बारे में समझा दिया कि इसमें जो सर्विसिंग है वो कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही।